थोड़ा बहुत खाने की गलियों में, तो देखते हैं क्या क्या खाने का मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये है स्टिंकी टोफू, ये बहुत ही गंदा तरीके का स्मेल करता है, लेकिन ये खाने में थोड़ा अलग होता है। ये बना रहे हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को किस तरीके से बनाया है देखिए। तो ये एक तरीके का स्वीट मिल रहा है यहाँ पर, ये भी एक तरीके का मिठाई होता है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और आई थिंक राइस से बना होता है। ये है फ्राइड मीट। दोस्तों देखो नारियल पानी की जगह यहाँ पर मिलता है नारियल का दूध, है ना कमाल का। ये हांगकांग का फूड है, आइसक्रीम है, कोकोनट जूस। तो दोस्तों ये है ड्राई पोर्क जो वेरी वेरी ड्राई फॉर्म में मिलता है। ये है पोर्क का। तो यहाँ पर हर जगह पे स्टिंकी टोफू बहुत मिल रहा है, ऐसा लगता है कि ये एरिया फेमस है स्टिंकी टोफू के लिए। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आपको मिलेगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। चलते चलते थक गए हैं, अब जाते हैं कुछ अच्छा खाने के लिए। तो हम आए हैं यहाँ पर काइंड ऑफ मॉल में और देखते हैं यहाँ हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, तो हम जा रहे हैं ये रेस्टोरेंट में और देखते हैं यहाँ क्या क्या मिल रहा है और क्या खाएंगे हम आज। हमारा प्लान तो हो गया कैफे, अब हम जाएँगे कोई और प्लेस पे। प्लेस दिख रहा है यहाँ पे ना नॉन वेज फूड मिल रहा है, तो हम लोग को भी नहीं खाना है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम जाएंगे कोई और प्लेस पे देखेंगे। तो फाइनली हमने सोचा हम मलाथांग ट्राई करते हैं क्योंकि सब में मीट होता है, कुछ ना कुछ नॉन वेज होता ही है। मलाथांग में मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं सिर्फ वेजिटेबल चूज़ कर सकती हूँ, तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिले जहाँ पर सिर्फ हमें मलाथांग मिले। यहाँ पर आपको कैंटीन स्टाइल का स्वीट और नूडल्स मिलेगा, बट हमारे लिए अभी रेस्ट्रिक्शन है, तो चलो कुछ और देखते हैं। तो हम लोगों को वहाँ पे कुछ मिला नहीं वेज में, तो हम जा रहे हैं और कुछ ढूंढने। तो ये देखिए अभी थोड़ा धूप हो गया है और वेदर भी थोड़ा हॉट हो गया है, तो हम खाने के बाद कुछ ठंडा कॉफ़ी या फिर कुछ जूस ट्राई करेंगे, वो भी आपको बताएँगे, आप व्लॉग में रहिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग वाइट और ब्लैक ही प्रेफर करते हैं पहनने। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ आएगा ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट भी पहना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं लोगों का चॉइस ही ऐसा है, ये ज़्यादातर घूमने फिरने के लिए लाइट कलर ही प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों अभी शंघाई में आपको किसी भी प्लेस पे जाने के लिए आपको स्कैन करना होता है, QR कोड दिखाना पड़ता है, तो ये यहाँ पर जगह जगह पर PCR टेस्ट के बूथ लगे हुए, आप जाइए और टेस्ट कराइए और रिज़ल्ट दिखाइए जहाँ भी आपको जाना हो। दोस्तों ये प्लेस देखिए काफ़ी कूल लग रही है, मैं आपको इसका एक व्यू दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम आज हॉटपॉट ट्राई करें, तो यहाँ पे कुछ फेमस शॉप है, ये जो है ट्रेडिशनल हॉटपॉट है, आप जैसे कि इसके स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, होटल का जो आर्किटेक्ट है वो भी एक काइंड ऑफ चाइनीज स्टाइल में है। ये देखिए रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल चाइनीज रेस्टोरेंट, तो देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है, ये देखिए। ये वाला प्लेस सिलेक्ट किया है, तो ये जो है हमारा
हॉटपॉट ट्राई करने वाले हैं, तो आप हॉटपॉट के लिए हमें ऐसा टेबल रहता है। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसने मेरे लिए वेजिटेरियन ऑर्डर किया है टोमेटो वाला, और इसमें दो काइंड ऑफ सूप थे, टोमेटो और मशरूम, तो मैंने टोमेटो सेलेक्ट किया है। बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा है। जैसे ही आपको फूड आएगा तो आपको कुछ एक्सेसरीज दिया जाता है, जैसे कि काइंड ऑफ एप्रिन आप इसे पहननी है ताकि आप अपने कपड़े गंदे ना करें, चॉपस्टिक, और ये काइंड ऑफ पार्ले वाटर रहता है वो। तो ये हॉटपॉट का जो है एकदम स्पाइसी और टोमेटो फ्लेवर वाला क्या सॉस चाहिए वो हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। ओह दैट्स नाइस। अगर कॉफ़ी भी हॉट पॉट या मलाथंग खाना है तो इसके लिए आपको सॉस प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि जिसमें आप वेजिटेबल है, गार्लिक है, चिली है जैसा आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पीनट्स, चेरी टमेटो, फ्रूट्स, और ये सारे सॉस हैं जो आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट कीजिए। चिली वाला इसमें थोड़ा पीनट्स डाला है, गार्लिक डाला है, और कोरिएंडर और स्प्रिंग ऑनियन डाला है। वेगन ऑयल जो आप डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉस बॉईल हो रहा है। तो इसमें कुछ भी नॉन वेज नहीं है, जस्ट चिली वाटर है और ये टोमेटो का है, तो ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। दोस्तों आप सोचते होंगे क्या हम चाइना में वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं नहीं खा सकते, तो आज मैं आपको बता रही हूँ आप यस हॉटपॉट भी खा सकते हैं जो कि कम्प्लीटली वेजिटेरियन वाला है। तो ये टोमेटो सॉस, ये चिली सॉस, और मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऑर्डर किया है। तो पहले हम ट्राई करेंगे टोमेटो सूप। तो मैंने ये ऑर्डर किया है, मैंने वेजिटेबल्स और मैंने अपना नॉन वेज, ये टोमेटो है और चिली है और मेरा टोमेटो, साथ में ड्रिंक। दोस्तों अभी तक हमारा खाना चल रहा है, ये काफ़ी स्पाइसी है। तो दोस्तों हमने एंड के लिए कुछ मीठा भी ऑर्डर किया, ये अपना इंडिया का मीठा भजिया टाइप है ऐसा, ये चावल से बना है लेकिन चावल है और उसके ऊपर शुगर सिरप है, हमारे जो मीठा भजिया होता है वही है। ये आलू का जो है बहुत टेस्टी है, उसके अंदर बहुत सारे चाइनीज़ मसाले, सेजवान पेपर और सब कुछ। चाइनीज रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा वाइब आएगा, यू फील लाइक अ हॉलीडे। तो हम लोग जा रहे बाहर, तो हम आज मिल्क टी ट्राई करने वाले हैं। वैसे तो हमने इंडिया में बहुत सी चाय पी है लेकिन चाइना की चाय कभी ट्राई नहीं की है, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सिस्टम है, आपको ये QR कोड स्कैन करना पड़ता है, स्कैन करने के बाद आपको क्यू में ऐसे वेट करना होगा, जब ऑर्डर आएगा तब आपको मिलेगा। ओह माय गॉड, वी हैव टू वेट 3 आवर्स टू गेट कॉफी। तो आप देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव रिच है। तो आप देखिए कितना मस्त नज़ारा है, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे जैसे ही नेशनल हॉलीडे आता है तो आपको हर जगह फ्लैग्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हर जगह पे डेकोरेशन पे फ्लैग्स लगा दिए जाते हैं। तो हम लोग गए थे ये वाले मॉल में, लेट्स गो। तो हम जा रहे हैं टी पीने, कैन वी गो हियर। तो हम आ गए हैं टी शॉप पे, हमने पहले से ही ऑर्डर कर दी थी तो इसलिए हमें बस यहाँ आके अपना टी कलेक्ट करना है। फ्रेंड्स जैसे जैसे शाम होगी आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे जो क्राउड है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बॉल देख सकते हैं उसमें कितना मस्त लाइटिंग शो चल रहा है, तो जैसे जैसे रात होती है ना यहाँ पर लाइट बहुत ही अच्छा हो जाती है।
सकते हैं यहाँ पे कितना सारा स्ट्रीट शॉप है जहाँ पे बहुत सारा खाने का आपको मिल जाएगा। पहले हम जो शॉप पे गए थे वो डिफरेंट ब्रांच थी, उन्होंने हमें बोला दूसरे ब्रांच पे जाओ। हमारी थी जूस, नाउ वी आर गुड। हमको चलते चलते एक बड़ी सी बेकरी दिख गई है जो हम अंदर एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा शॉप लग रहा है जहाँ पे पेस्ट्रीज चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगे। यस, दिस इज नट्स। दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, स्वीट आइटम्स, पेस्ट्रीज। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होगा भीड़ बढ़ती जाएगी और हमें भीड़ बढ़ने से पहले घर पहुंचना है। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो की में, तब तक के लिए